3,500 छात्र बेरोजगारों को क्या कहना है? अनोखा कार्यक्रम, पहली बार बिजनौर में इस तरह का कार्यक्रम हो पाया। मेरे मंत्रालय की टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधि। चंदन लगातार चिंता कर रहा था कि यहाँ नौजवान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक प्रयास हुआ है। 3,500 बड़ी संख्या है, देश की 50 बड़ी कंपनीज आई, उन्होंने अवलोकन किया, ऑफर्स दिए, इंटरव्यूज़ किए। मैं जो बच्चे पंजीकृत हुए लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिली, मैं उनको भी और प्रेरित करूंगा कि वो ऊर्जावान हैं, काबिल हैं, उनके अंदर वो क्षमता है, वो अपने आप को और बेहतर तैयार करें, अगली बार उनका भी नंबर आएगा। मंत्री जी, एक सवाल है, यूपी के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रफी खान गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक क्राइम है, क्राइम में अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें आप कोई शक नहीं कर सकते कि योगी जी का शासन किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता से काम करता है। अच्छा, अखिलेश यादव एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं यूपी सरकार के, आपका क्या कहना है? एनकाउंटर पे एक प्रक्रिया है, उसमें जांच होती है, और जब तक कोई अपराध की जांच ना हो जाए, राजनीतिक लोगों को थोड़ा सहम की बात करनी चाहिए, बच के बात करनी। अच्छा, समाजवादी के कई नेता अभी और अभी मैं तो चाहता हूँ यूपी पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि गोली चलाने की जरूरत ही ना हो, यूपी इतना डर हो वर्दी का कि हमारे अपराधी तो धराशायी हो ही जाएं सारे, इनकाउंटर करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, उपचुनाव आ रहा है जी, 10 सीटों पर उपचुनाव है, आरएलडी को कितनी सीट मिलेगी? 10 सीट एनडीए लड़ेगा, पहले तो ये तय कर लो, एनडीए लड़ रहा है, एनडीए में लोकदल है, एनडीए में जब 10 सीट लड़ी जाएंगी तो चयन को लेकर सिंबल सारी चीज़ें, हम लोग तालमेल, रणनीति, प्रचार, सब चीज़ों पे तालमेल बना के हम लड़ेंगे। अच्छा, मीरापुर कोई अकेला नहीं है, ना लोकदल अकेले लड़ेगा, ना बीजेपी अकेले लड़ेगी, ना हमारे और जो गठबंधन में दल है। सीट पर बीजेपी अपना दावा पेश कर रही है और कह रही है कि हम लड़ेंगे, आपका क्या कहना है? रोजगार पे एक ही प्रश्न बस, इतने सारे राजनीति पर, राजनीति मैंने कहा कि सारी सीटों पर एनडीए लड़ेगा। नहीं, आरएलडी को कितनी मिलेंगी? एनडीए देखिए, इसके बाद अभी 18-19 तारीख को हम भरतपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मेरी राजस्थान मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात हुई है और पूरा कोऑपरेशन वहाँ राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट हमें देगी, क्योंकि भरतपुर भी एक पिछड़ा इलाका है लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री है, परंपरागत वहाँ बहुत इंडस्ट्रीज हैं और बहुत पोटेंशियल है, वहाँ नौजवान चाहते हैं कि उस तरह का आयोजन हो। बंगाल में भी एक डिमांड आई है, जहाँ भी सांसद मुझे लिखते हैं, प्रयास करते हैं, राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो इस नीति को हम आगे और तेज़ी से बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि बिजनौर से शुरुआत हुई, कौशल महोत्सव पहला जो रखा गया है वो बिजनौर में हुआ भी लड़ रही है। एक मिनट उनका ले लें। हाँ जी, यस, हम राज्य सरकारों से लगातार संवाद कर रहे हैं कि आईटीआई में कैसे सुधार कर सकते हैं। उसमें एक पहलू ये है कि आप अच्छे इंस्ट्रक्टर्स को रखिए, नए ट्रेड्स को शामिल कीजिए, जो इंडस्ट्री की डिमांड आज की है, जहां इंडस्ट्री चाहती है कि आगे रिक्रूटमेंट हो सकता है, उस तरह के काम को इंडस्ट्री 4.0, फ्यूचर स्किल्स, उन कोर्सेज को भी आईटीआई में जोड़ा जाए। रिक्रूटमेंट पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए, मोटिवेटेड होनी चाहिए, आईटीआई का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और जहां राज्य सरकार नहीं चला पा रही, जहां सरकारी संस्थान है वहां वो टाई अप करें, अफिलिएशंस करें, कॉलेजेस को उसके साथ जोड़ें। हम तो इंटरनेशनल स्किल के सेंटर्स खोल रहे हैं, आप सोचिए कि आईआईटी कानपुर के साथ हमने कार्यक्रम किया है, वहां आईआईटी भी इन्वॉल्व है, आईटीआई भी इन्वॉल्व है, और उसमें डसॉल्ट और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जैसी बड़ी कंपनीज भी काम कर रही हैं, तो जहाँ संभव है बड़े बड़े उद्योग को भी हम इसमें शामिल करके प्रयास कर रहे हैं कि सुधार हो। मंत्री जी, हरियाणा चुनाव में जो क्या कितनी सीट ला सकता है? भैया, हम बिजनौर में खड़े हैं, बिजनौर की बात, चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लोकदल चुनाव नहीं लड़ रहा, एनडीए तो मजबूत पूरे देश में ही है, इसमें क्या शक है। थैंक यू। एक सवाल रह गया जो अभी तक नहीं हो पाया कि कौशल महोत्सव भारत के विकास में किस तरीके से योगदान करता है? कई चीज़ें हैं, एक तो इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट ये है जिनको नौकरी मिली, उसके बाद जो लोग पंजीकृत हुए उनको एहसास हुआ कि हम अभी तैयार नहीं है जॉब मार्केट की, कंपनीज़ क्या चाहती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बढ़ी, उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, लगभग एक महीने से 20 अगस्त से यहाँ 40 घंटे के हमने कई कोर्स तैयार किए, मॉड्यूल तैयार किए, आईटीआईज में ट्रेनिंग करी, शिक्षण संस्थानों में लगातार ट्रेनिंग हुई, और जो 13,000 बच्चे पंजीकृत थे सबकी किसी हिसाब से उनकी ट्रेनिंग हुई है। और तीसरा सबसे बड़ा योगदान यह है कि प्रचार हो रहा है, कौशल मंत्रालय क्या कर रहा है, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना है, हमारा आईटीआईज हैं।
हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, सारी योजनाओं की जानकारी इस तरह के आयोजनों से और बढ़ चढ़कर जो लोग हिस्सा लेते हैं वो प्रचार भी करते हैं। थैंक यू।